हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक 19 ईयर्स ओल्ड फीमेल हमारे पास ओपीडी में आती है। शी केम ऑन 8th of January, ठीक है, विद अ कंप्लेन ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन ऑफ 2 months विद नोसिया एंड वॉमिटिंग। हर वॉमिटिंग एपिसोड्स आर 5 times पर डे, ठीक है। लास्ट केस में हमने डिस्कस किया था वॉमिटिंग 20 times पर डे हो रही थी, तो यहाँ पर 5 times पर डे हो रही है, तो इट्स केस ऑफ माइल्ड वॉमिटिंग। और हमने, ये प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है, हर एलएमपी इज 18th of November, ठीक है, और 18th of November इसकी एलएमपी है। तो अगर इतने केस को अगर हम देखें तो टर्म ऑफ प्रेगनेंसी कितना हुआ इसका, 8th of January को आई है, एलएमपी इज 18th of November, तो इसका टर्म ऑफ प्रेगनेंसी इज 7 weeks 2 days, इसका पीरियड ऑफ गेस्टेशन हो जाता है। फिर इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम निकालेंगे। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नेगलिस फॉर्मूला इज 25th of August। हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे नेगलिस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पेशेंट जो आई हुई है, हमने उसको एग्जामिन किया, ऑन जनरल कंडीशंस वर नॉर्मल, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस है, हर बीपी इज नॉर्मल 110/70, हर पल्स इज 78 per minute, ठीक है, तो पेशेंट स्टेबल है हमारे पास, तो इट्स केस ऑफ माइल्ड वॉमिटिंग, ठीक है। तो इसका प्रिजम्प्टिव डायग्नोसिस क्या होगा, प्राइमरी ग्रेविडा विद 7 weeks 2 days विद माइल्ड वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई लीवर डिजीज हो सकती है, रीनल डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शन कॉजेज हो सकते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी में भी वॉमिटिंग ज्यादा हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी उसमें हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम में होती है, उतनी ज्यादा वॉमिटिंग हो जाती है मोलर प्रेगनेंसी में, लेकिन कभी कभार मोलर प्रेगनेंसी की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पूछते हैं, प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, प्लान ऑफ मैनेजमेंट इस पेशेंट का क्या रहेगा, शी इज द केस ऑफ माइल्ड वॉमिटिंग, ठीक है। तो हमें माइल्ड वॉमिटिंग, सबसे पहले तो पेशेंट की हमें वॉमिटिंग को बंद करना है, अभी के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले ट्रिगरिंग जो फूड्स हैं उसको स्टॉप कराना है पेशेंट को, डाइट्री चेंजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद जिंजर ऐड कर सकते हैं आप उसमें डाइट में, साथ में कोई भी मल्टीविटामिन दे दीजिए, और हम उसमें एक टैबलेट ऐड करेंगे डॉक्सिलामिन सक्सिनेट का एक कॉम्बिनेशन आता है विद पैरिडॉक्सिन, डॉक्सिनेट ओडी के नाम से, वो हम टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं। अगर पेशेंट की वॉमिटिंग के एपिसोड्स रिजॉल्व करने लग जाते हैं तो हम पेशेंट को इसी डाइट पे 1 week तक कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं रिजॉल्व होते तो हम क्या करेंगे, तो हम डॉक्सिलामिन सक्सिनेट को स्टॉप कर देंगे और एंटीहिस्टामिनिक्स ऐड कर देंगे जो कि H1 ब्लॉकर होते हैं। H1 ब्लॉकर में कौन सा देंगे हम, इसमें डाइफिनहाइड्रामीन देंगे या फिर प्रोमेथाजिन दे सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट इससे रिजॉल्व हो जाता है तो हम 1 week तक डाइटरी चेंजेस के साथ जिंजर ऐड करके और साथ में पेशेंट को 1 week तक मॉनिटर करेंगे। अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम ओंडेंसेट्रोन ऐड कर देंगे, ठीक है। ओंडेंसेट्रोन ऐड करने के बाद अगर पेशेंट उससे भी रिजॉल्व नहीं होता, अगर उससे रिजॉल्व हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल उसे 1 week तक मॉनिटर करेंगे, अगर पेशेंट उससे भी रिजॉल्व नहीं होता है तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऐड कर देंगे। तो ये इसका मैनेजमेंट रहेगा माइल्ड वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन का। अगर और साथ में जब पेशेंट आपकी ठीक हो जाती है तो हम उसके बाद साथ में हम पेशेंट को क्या काउंसिल करके भेजेंगे, जो कि हमारा मेन काउंसलिंग का पार्ट रहेगा। आपको पेशेंट को हमेशा पेशेंट को आगे के लिए काउंसिल करके भेजना है। शी केम टू योर ओपीडी इन 7 weeks 2 days ऑफ गेस्टेशन, तो आप उसको काउंसिल करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग करानी है पेशेंट को, जो कि 10 टू 14 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे होगी, जिसमें हम एक एंटी स्कैन कराएंगे एंड ड्यूअल मार्कर्स टेस्टिंग कराएंगे टू रूल आउट एनी क्रोमोसोमल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन द बेबी। साथ में हम उसको उसके ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे। ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या क्या भेजेंगे, ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस में आप CBC भेजेंगे ताकि उसमें एनीमिया वगैरह रूल आउट कर दें, वायरल मार्कर्स भेजेंगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भेज देंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ठीक है, तो और साथ में शुगर उसका एक टेस्ट कराएंगे, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर कराएंगे एंड फास्टिंग ब्लड शुगर कराएंगे, साथ में टैबलेट फॉलिक एसिड की टैबलेट आप उसे ऐड करके देंगे। दैट शुड बी योर प्लान ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।